कि आपने तो देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रखा है। यहाँ का जहाँ तक सवाल है तो गवर्नर की आज दावत है, तो गवर्नर से आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर हैं और वहीं बात करें तो चौथे कृषि रोड मैप का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि जो विपक्ष में है नेता विरोधी दल हैं उनको नहीं बुलाया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें किसी भी कार्यक्रम में आप लोग आमंत्रण नहीं किया, जब तेजस्वी यादव थे नेता प्रतिपक्ष उस समय आप लोग उनको बुलाया जाता था। नहीं, यह आपके प्रश्न का पहले तो मेरा एक काउंटर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अपमान भारतीय जनता पार्टी पूरी काबीना ने जिस तरह से देश ने देखा है कि जिस भवन की कस्टोडियन है वो और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, तो यह परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है तो वो दुखद है। और यह काउंटर क्वेश्चन आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रखा है। यहाँ का जहाँ तक सवाल है तो गवर्नर की आज दावत है, तो गवर्नर से आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि जब हम बीजेपी सरकार होता क्या है, मैं ये व्यक्तिगत बात कहता हूँ कि रेस्पेक्ट इंसान कैरी करता है, खुद कैरी करता है। यानी कि नेता विरोधी दल रिस्पेक्ट लैक नहीं है, ये तो हमने नहीं कहा, मैंने कहा रेस्पेक्ट कैरी करता है। तो जिस तरह से वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी एनडीए की जब सरकार थी तो विपक्ष को भी हम लोग तवज्जो देते थे, तेजस्वी यादव को बुलाया जाता था, लेकिन हम जब आप लोग की महागठबंधन की सरकार है आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैंने आपको आपका सवाल का एक लाइन में जवाब दिया कि ये सब चीज़ तो कैरी करने वाली चीज़ें हैं, कैरी करने वाली चीज़ें, यानी कि वो नेता प्रतिपक्ष कैरी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे हलक में क्यों अपनी उंगली डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो कैरी की जाती है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन करें, इसको कैसे आप देख रहे हैं? तो बहुत स्वागत योग्य बात है, और बिहार सरकार जो है हमेशा ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर रोड मैप है, किसानों का लाभ हो, उत्पादन क्षमता बढ़े, उसके उत्पादन क्षमता से उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो, ये सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो, ऑर्गेनाइज हो, तो उसके लिए हमारी सरकार तत्पर रही है और वो काम कर रही है। यानी कि किसानों को ये चौथा रोड कृषि मैप से सॉलिड लाभ होगा। देखिए, जब भी कोई प्लानिंग करके चीज़ें होती हैं, आप देखिए देश में जब अनाज की कमी थी, हम लोग अमेरिका से PL4 लेते थे, तो उस वक्त इंदिरा जी ने सपना देखा और साइंटिस्ट को बुलाया, स्वामीनाथन आए, दूध उत्पादन कम था तो कोरियन साहब आए, साइंटिस्टों को बुलाया, मैप बनाया, ऑर्गेनाइज किया, पंचवर्षीय योजना में इसको डाला, तो योजनाबद्ध अगर काम होता है तो उसका लाभ तो मिलता ही और बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहने के साथ। नमस्कार।